दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ DIY डेकोरेटिंग आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। तो इस बार दिवाली पर मैंने डेकोरेट करने के लिए कुछ ज़्यादा परचेज़ नहीं किया है, सारी कुछ चीज़ें DIY की हैं, जिससे मेरे पैसे भी बच गए। और अगर आपने भी अभी तक कुछ परचेज़ नहीं किया है तो इन DIY को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें आपके बच्चों के जो आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल होते हैं उसमें ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरे पास फ्रेम है। तो आपके घर पर भी इस तरह की कुछ फ्रेम्स है तो उसमें आप सिंपल से वॉलपेपर ऐड कर अपने वॉल को कलरफुल बना सकते हैं, फेस्टिवल वाइब दे सकते हैं। तो ये वॉलपेपर मैंने डाउनलोड कर लिए थे और इसके प्रिंटआउट्स निकलवा कर लेकर आई हूँ, जो कि एक वॉलपेपर मुझे 20 रुपीज़ ईच पड़ा है और ये ग्लॉसी वॉलपेपर है जो कि शाइन देता है। तो इस तरह से आप फ्रेम में ऐड कर सकते हैं और इसका वॉल पर जब आप लगाओगे आपका वॉल एकदम से कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो एवरी ईयर जो कि दिवाली लैंप्स मिलते हैं, हम बालकनी में लगाते हैं, वो हम परचेस करते हैं, लेकिन 1-2 मंथ्स के बाद वो दिखने में बहुत ज़्यादा बुरे दिखते हैं और फेंकने में भी आ जाते हैं। तो इस बार मैंने घर पे ही DIY कर लैंप बनाया है, जो कि दिवाली के बाद भी अगर लगा रहेगा तो भी सुंदर दिखेगा। तो लैंप बनाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने टोकरी ले ली है, उस पर अपने मनपसंद कलर अप्लाई कर लिया है, पिंक एंड येलो। इस तरह से आप कोई भी कलरफुल भी बना सकते हैं या फिर दो कलर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर चारों ओर मैं टेसल ऐड करूँगी। तो यहाँ पे उलन के टेसल्स मैंने पहले ही बना के रख दिए थे, जिसको थोड़ा सा शेप में मुझे कट करना है। तो इनको अच्छे से शेप में कट करने के बाद मैं चारों ओर टोकरी के बांध दूँगी। तो ये DIY टोकरी लैम्प बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे चारों ओर मैंने टेसल्स को बांध दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ पम्पम की लेस होती है वो भी मैंने ऊपर नीचे आजू बाजू लगा दी थी टोकरी के। और कंप्लीट लुक इसका इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको मैंने बालकनी में लगा दिया है और बालकनी का जो लुक होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें डेकोरेट कर आप अपने घर को सजा सकते हो और इससे आपके पैसे भी बचा सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेढ़े मेढ़े दिए पड़े थे, जिनके शेप्स जो है वो अच्छे नहीं थे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो उनको मैंने इस तरह से चिपका दिया है एक के ऊपर एक। इस तरह के दो सेट मैंने बनाए हैं। और ये जो DIY है बहुत ही आसान है, अगर आप इसको बच्चों को भी इन्वॉल्व करोगे इनमें तो वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ कुछ वेस्ट जो चीज़ें होती है उसका भी यूटिलाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उस तरह के दो सेट बना दिए हैं चिपकाकर और इसको इस तरह से इसके ऊपर स्टिक करूँगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर DIYs में मैंने ग्लू गन यूज़ किया है, क्योंकि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है। आप चाहो तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, उससे थोड़ा सा धीरे सूखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ किया है। तो बस इस तरह से मैंने एक के ऊपर एक दिया इस तरह से चिपका दिया है। और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ मिरर्स ऐड कर इसको डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इजी सा काम कर रही हूँ, लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने के बाद इसके ऊपर जो भी मिरर ऐड कर मैंने दिया डेकोरेट किया था उसको यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। तो बस इस तरह से आप दो सेट बनाकर अपने दहलीज के आजू बाजू रख सकते हो या फिर रंगोली पर डेकोरेट कर सकते हो, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस तरह की बॉटल्स आपके पास किचन में बहुत सारी होगी, राइट? तो यहाँ पे मैं भी किचन से एक बॉटल लेकर आ गई हूँ और यहाँ पे चारों ओर मतलब सर्कल में मैंने यहाँ पे बैम्बू स्टिक्स होते हैं, छोटे पतले पतले स्टिक्स आते हैं, वो यहाँ पे स्टिक कर दूँगी ग्लू गन के हेल्प से। और ये जो स्टिक्स है बहुत सारे एक सेट में मिलते हैं, जो कि 50 रुपीज़ में आई गेस बहुत सारे स्टिक्स आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चारों ओर मैंने स्टिक अटैच कर दिया है थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर, और क्योंकि इस लैम्प को मैं कभी हैंग भी कर सकती हूँ या फिर टेबल पर भी सजा सकती हूँ, तो यहाँ पे हैंग करने के लिए रस्सी ऐड कर रही हूँ। और ये जो वाइट कलर की रस्सी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये मुझे हार्डवेयर की शॉप में मिली थी, जो कि थोड़ी सी थिक होती है, माइक्रोम जैसी होती है, तो वही मैं लेके आई थी। 20 रुपीज़ में मुझे अच्छा खासा बंच मिल गया था।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं मेंशन भी करते जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से ली है, क्योंकि हम कई बार DIYs देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम वो चीज़ें कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या फिर हमें वो चीज़ें कहाँ से मिलेगी। तो ऊपर की तरफ हैंगर ऐड करने के बाद चारों ओर मैंने इस तरह से लपेट दिया है उस रस्सी को, और नीचे की तरफ मैं एक लेस ऐड कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो लेस है मैं ऊपर और नीचे दोनों अटैच करूँगी। तो इस तरीके का DIY लैम्प आप एक ज़रूर बनाना, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये रखने पर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो क्योंकि इस DIY लैम्प को हमने ग्लास से बनाया है तो इसमें आप कैंडल भी ऐड कर सकते हो या फिर आप फेरी लाइट भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया हमारा छोटा सा लैम्प, जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मैंने टेबल पर रखा है और यहाँ पर मैंने वॉल पर हैंग किया है फेरी लाइट ऐड कर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस तरह से हम लोगों को दो कार्डबोर्ड शीट्स चाहिए और ये स्टिक्स चाहिए जिसे हम आइसक्रीम स्टिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं दो कार्डबोर्ड शीट्स लिए हैं, उस पर छः स्टिक्स अप्लाई कर दूंगी इस तरह से, और जो भी कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा बचा होगा उसको कट कर दूँगी। दोनों साइड से कार्डबोर्ड कट करने के बाद यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स हैं वहाँ पे अगेन हम ये जो स्टिक्स है इसके कॉर्नर्स को कट कर यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये जो स्टिक्स है हमें चारों ओर इस तरह से स्टिक करना है जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम दो दो आइसक्रीम स्टिक्स लेकर इस तरह से एल शेप में इसको चिपका देंगे जैसे कि आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हमें इसे इस तरह से कॉर्नर पर चिपकाना है। तो चारों ओर इस तरह से स्टिक लगाने के बाद आपको इस तरह से एक और जो बनाया था उसको इस तरह से हमें स्टिक कर देना है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड ऐड कर आप चाहो तो हैंगिंग बना सकते हो या फिर डायरेक्टली जो आइसक्रीम स्टिक से इसके ऊपर चिपका सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान है चीज़ को बनाना। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको येलो बना सकते हो, पिंक बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं वुडन कलर ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे डार्क कलर करने के बाद यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मिरर ऐड किए थे फेविकोल के हेल्प से जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो, यहाँ पे पेंट कर सकते हो। और इसका लुक किस तरह से लग रहा था, जैसे कि अभी भी गांव में दरवाज़ों के बाहर छोटे छोटे शेल्फ बने होते हैं जहाँ पर दिया वगैरह सजाते हैं, तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा था जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर पेंट कर मैंने छोटे छोटे डॉट से और थोड़ा सा सजा दिया था। तो इस तरीके के दो सेट बनाकर आप मंदिर के आजू बाजू भी रख सकते हो, अपने डोर के आजू बाजू रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और इसको टिकाने के लिए यहाँ पे छोटी सी ये जो नेल है इसके ऊपर मैंने टिकाया है, और आप जैसे कि देख सकते हो ओरिजिनल मैंने दिया लगाया है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और सुंदर लग रहा था। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये भी DIY लैम्प बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना, और दिवाली के बाद भी अगर आपके घर पर आप एज ए डेकोरेटिव इसको सजा कर रखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड्स ले लिए हैं और एक छोटा सा शेप का लिया है, और यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है इसको स्मूथ बनाने के लिए मास्किंग टेप यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो इन दोनों कार्डबोर्ड पर भी मैं अप्लाई कर लूँगी इसी तरह से। तो यहाँ पे ये जो छोटा पीस है इसके ऊपर हम रखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम साइज़ देखकर दो छोटे होल बना लेंगे ताकि अगर आप चाहो तो हैंग भी कर सकते हो या फिर आप कहीं टेबल पर भी सजा सकते हो। होल्स फिक्स करने के बाद नेक्स्ट मैं ये तीनों कार्डबोर्ड्स पर वाइट पेंट कर दूंगी। एक्रेलिक पेंट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इस कार्डबोर्ड पर भी हम इसी तरह से चारों ओर आइसक्रीम स्टिक्स लगा देंगे जैसे कि आप देख सकते हो। इस तरह से हमें चारों ओर स्टिक करना है।
तो दोनों जो स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड शीट्स थे उनके चारों ओर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने स्टिक कर दिया है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे इनके कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पर इस तरह से मैं स्टिक अटैच करूँगी। बाम्बू पतले जो स्टिक्स आते हैं वही यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे छोटा छोटा गैप छोड़कर हम सारे स्टिक्स यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बनकर तैयार होता है सुंदर सा लैम्प। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक दे रहा था। और यहाँ पे जो दो होल्स किए थे वहाँ पे मैं इस तरह से ये जो रस्सी थी उसको मैंने टाई कर दिया है। नेक्स्ट सेम रस्सी को लेकर मैं चारों ओर इस तरह से लपेट रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लैम्प तैयार हो चुका है, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल है और थोड़ा सा शाइनिंग और इस तरह से ऐड करने के लिए यहाँ पे ये जो लेस है जो कि मैंने ग्लास लैम्प पे अटैच किया था वही लैम्प पर मैं अटैच करने वाली हूँ। आप इसी तरह से मिक्स एंड मैच देखकर आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे जो मिरर्स होते हैं उसको भी लगा कर इसको सुंदर सा बना सकते हैं। और जहाँ पर भी कार्डबोर्ड विजिबल हो रहा था वहाँ पे मैंने वाइट पेंट से पेंट कर लिया है। और जब भी ये स्टिक लगा रही थी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप ज़्यादा छोड़ा था ताकि लैंप वगैरह इसके अंदर मैं डाल सकूँ। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया हमारा एक और लैंप, जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जिसे आप अगेन हैंग भी कर सकते हो या फिर कहीं पर प्लेस भी कर सकते हो। तो ये है इसका फाइनल लुक। इसके अंदर मैंने फेरी लाइट्स ऐड की है, थोड़ी सी ऐड की है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फेरी लाइट्स ऐड करेंगे तो और ज़्यादा प्रीटी लगेगा। सो दोस्तों, यही कुछ DIY लैम्प्स और डेकोरेटिव आइटम्स मैंने बनाए हैं अपने घर को सजाने के लिए और उसे आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। सो दोस्तों, ये DIY डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ही आसान है, लास्ट मोमेंट में भी आप अपने घर को अच्छा खासा डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। तो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, और आगे से और भी मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।